तुम्हारे पैसा बैंक में जमा करा दी तो बैंक ले वो मालिया तेन लेके भाग गए। नीरा मोदी और मालिया लेके भाग गए, बाचे खोजेल अटानील दे दीस। अब तू मन बस वो माई लोग मन गारी खावा थे, कावर की सामने में संकट रहते परेशानी रहते तो माई लोग मन फूफू घर गए मामा घर गए तो दो चार पैसा मिले रहते दबा दबा रखे रहते। अब दिवारी पर रही से दिवारी पर घर में कहीं कहीं पैसा उसा हो ही तो दे दे वो कपड़ा लेकर मन पर कपड़ा फटाका लेना है तो गुर्राक कह रही से वाह हमारा कहीं दे रहे थे हमारे कर माछी। और 8 नवंबर के जैसे मोदी की सब रद्दी हो गए थी खजवात खजवात कहा थे मोरो कर 1000 के नोट या फिर बदलवा देते हो इसके नहीं रिजल्ट बता। और काला धन कद का ही तेन पता है आज तक की गिनती नहीं पता है जद का नोट छापे रही तेकल ज्यादा जमा हो गए। दूसरा लाभारी मार दीस लॉकडाउन है इस पूरा देश में लॉकडाउन कर दीस। अब किस कोरोना भगाना है तो कहा कि थाली बजाओ फिर किस ताली बजाओ फिर किस मोमबत्ती जलाओ भागीस करो ना एक घाव नहीं दो घाव नहीं खेवन क्यों नहीं इस ना करो ना। और अभी दुर्ग में इस रायपुर में इस फिर लबारी मार दीस छत्तीसगढ़ के किसान के धान ला केंद्र सरकार करे थे अब इकल बड़े लबारी अब का हुई धान हमन करी था ना लबारी वो मारा थे। अरे प्रधानमंत्री तो लबरा के हम थोड़े दिन अच्छा नहीं लागे लेकिन लबारी जो मार बे एकदम से हमन काम कर रहा था तेल अपन से ले उठबे तो कैसे बर्दाश्त करबो अहू चुनाव समय। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बार बार लबारी मारे अच्छा बात में। तो आज पिछले 5 साल में कोरोना के बावजूद भी केंद्र सरकार के अड़ंगा के बावजूद भी हर बार अड़ंगा लगाई तेकर बावजूद भी हमारे कांग्रेस के सरकार किसान के साथ खड़े रही से मजदूर के साथ खड़े रही से हमारे दीदी बहनी मन के साथ खड़े रही से नौजवान के साथ खड़े रही से सब जन सोचा रही सब कोरोना आ गएगा लॉकडाउन हो गए कहां पैसा ही सरकार कर खदान बंद है दुकान बंद है फैक्ट्री बंद है ट्रांसपोर्टिंग बंद है सब बंद है पैसा सरकार कर कहां लाई नहीं दी तब चली किसी कर वो किसान मन तो हमेशा संकट में हमेशा मन रह रही थन यू समय रही जब लेकिन हमन तय करें नहीं जेन वादा हमारे नेता राहुल जी करे है जेन बात ला जनता कर जा के हमन कहे हन वो में हमन ला हर परिस्थिति में जन हमन ला मजदूर और किसान के साथ खड़ा होना है। तो पहली किस्त 1500 करोड़ रुपया तुम्हारे खाता में डाले कोनो पतियात नहीं रही से राजीव गांधी किसान न्याय योजना पहली मजदूर मन के साथ खड़े रहे कोई काम नहीं रही सब जन घर में बंद रही से मनरेगा काम शुरू करें पूरा देश में पहली बार से चालू हुई मनरेगा काम 26 लाख परिवार मनरेगा के तहत काम कर रही से वो समय कोनो काम धाम में जाते नहीं काकरो कर पैसा नहीं रही खाए पर नहीं रही से 3 महीना का राशन ले एक संग्रह सबके घर में भिजवा दे रहे हैं मध्यान्ह भोजन के चाउर ल तक झोलम भरवा के घर घर पहुंचाए काम ल हमन करवा रहे हैं हो रही न संकट में परेशानी में आदमी तो सुख में कोनो आए चाहे मत आए होते ध्यान नहीं दे लेकिन संकट में कोनो आदमी खड़े रहे थे बोले छत्तीसगढ़ की जनता नहीं बुलावे हम संकट में खड़े रहे परेशानी में खड़े रहे दूसर जगह तो पैदल चल चल के आके कतको जन रास्ते में खत्म हो गए लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता के पाम काटा गड़ा नहीं था। ये काम हमारे सरकार के द्वारा हो हमारे जनप्रतिनिधिमन के द्वारा हो। तो आज हम 5 साल में जब गोबर खरीदी शुरू करें सब जन हंसा हंसे नहीं गुड़ गोबर हो गए कहा थे अब तो गोबर ही गुड़ हो गए कतको जन लखपति बन गए गोबर बेच बेच के हर 15 दिन तुम्हारे खाता में पैसा डाले काम हो ना वर्मी कंपोस्ट बना थे तेकर खाता में पैसा डाले काम 3 महीना में किसान के खाता में पैसा डाला था 1 महीना में बेरोजगार मन के खाता में पैसा डाले काम राजीव मितान क्लब है तेकर खाता में पैसा डाले काम मजदूर है तेकर खाता में पैसा डाले काम लघु उपज बेचैया है तेकर मन के खाता में पैसा डाले काम। तो हर समय 15 महीना 3 महीना पैसा डाले काम करे हर 3 महीना पैसा डाले अब ओकर बर बटन चपके लागे मोला अब तुम अल बटन चपाकना 17 तारीख है धान लुई करके छोड़ मत दो सब जन ले जाना है भाई हाँ धान लुई चला थे भारा बांधे हार्वेस्टर आए ये नहीं करना है सब ले जाना झारा झारा हार्वेस्टर भले चलते रहे लेकिन बटन चपके पर जरूर जाना है।
स्कूल में पोलिंग बूथ बने वहां जाके बटन दबाना है और कामे बटन दबाना है। कामे थे सब जन हाथ उठा बताओ। तब तू अब किसान मन कर गेन ओ मन किसान मन किस पिछले समय तो ऋण माफी कर रहे इस गा 2500 रुपये में खरीदे रहे ये वक्त का कर अब पिछले समय कट रहे ऋण माफी तो वो तो पिछले समय खो गए अगर बदला तो वो डांट डरे ना अब का मैं के 20 क्विंटल धान खरीदू वो तो भर में नहीं चले तो फिर हम तय करें ये साल ये दरी फिर से किसान मन के ऋण माफी। अब जिन ताली नहीं बजाते देवांगन फोटो खींच एक बार फिर से किसान के ऋण माफी और धान पहली था मन कह रहे हैं भाई 2500 रुपये में खरीदबो पिछले साल धान बेचे तुम 2640 2660 पर ये साल के धान तेना 2800 को तिल जाती लेकिन कई जानवर के नहीं गा ये बने बढ़ा दे एक घाव जैसे 2500 कर रहे तो 2500 बढ़ा के सीधा 700 रुपये बढ़ा के 3200 मोर अन्नदाता प्रसन्न रहे। काका अभी जिंदा है अजी अब किसान भर हो गए महिला मन ल घर चलाना रहते कतको मन पैसा कमा के लान आखिर घर में देते ना वही मन घर ल चलाते लड़का मन के पढ़ाई के इलाज बढ़े कपड़ा लत्ता लेना है के राशन खरीदना है सब्जी खरीदना है जतके पैसा रहते तेकर हिसाब से हमारे भोजन के थाली में उसका सामग्री रहते तो यदि दाल भी रहा है सब्जी भी रहा है रोटी भी रहा है अचार भी रहा है पापड़ रहा है तो ओकर बर तो पैसा बने लागी लेकिन मोदी जी है तीन तो महंगाई बढ़ाए के काम करा थे पेट्रोल के भाव डीजल के भाव माटी तेल के भाव गैस के भाव यूरिया के भाव पोटास के भाव डीएपी के भाव सब बढ़ा थे अभी खायक तेल के भाव बढ़ गए और ये तो प्याज में ये तो रोयल धल ले उज्ज्वला लायरी से मोर बहनी मन रोए मत करके अब उसका भाव बढ़ा दी इसको फिर लकड़ी में आ गए चूल्हा में फिर रोवा थे और प्याज में डबल रोवा थे ऐसा समय में हमार सरकार है 4-5 टक काम करे जिन महिला मन के जिन घरेलू अर्थव्यवस्था है वो बराबर मजबूत रहा है मतलब कोई परेशानी नहीं आए तो पहली काम करें अजी हाँ पीना बंद करवा तो वो पीना बंद कर दो तो इसमें भट्टी बंद हो जाए हमें कहा है और पीना बंद नहीं करी आदमी है और मैं भट्टी बंद कर दू तो नकली शराब आ जाए मर जाएगा और पिया थे तेन तो छोड़ दी लेकिन जिन मर गए थे वापस नहीं आए दिक्कत तो ये है और नशा भाई शराबे बंदी कावर होना चाहिए नशा बंदी होना चाहिए गुड़ाखू बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो लॉकडाउन के समय में वो 2500 रुपये गुड़ाखू 250 रुपये में बिका है बिके है ना और कौन घीस थे ज्यादा वो बंद होना चाहिए नहीं तो कुल मिला नशा बंदी होना चाहिए एक बार समाज सुधार बहुत जरूरी है मैं मजाक नहीं कर रहा था मैं चाहता हूं कि नशाबंदी हो समाज स्वस्थ रहा है मजबूत रहा है ताकतवर रहा है लेकिन ओकर बर जरूरी है कि सामाजिक जागरूकता हो कावर की ताली एक हाथ से नहीं बजे दोनों हाथ से बजते है यदि दुकान लब बंद कर दे फैक्ट्री बंद कर दे तो यहां तो चारों कोती ले शराब यहां पहुंच जाए नकली शराब पहुंच जाए सैनिटाइजर पीपी मरा थे सूखा नशा को दिल जाए सुलेशन सुंगेल दले खाल दले ब्रेड में आयोडेक्स लगा लगा खाते तो ये जिन है तेना बंद होना चाहिए तेकर बार सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है हम तो अभी भी कायम हन अपन बात में कि नशा मुक्त होना चाहिए हमारा समाज और ओकर बार सब ले मिलके करे लगे अकेला सरकार के बस की बात नहीं है मैं नहीं कर पाए ये बात के दुख है मोला लेकिन एक से पीछे नहीं हटे हमें जब सही अनुकूल वातावरण मिली और तुम फिर से अवसर दू तो निश्चित रूप से शराबबंदी नहीं नशा मुक्त हम समाज बनाए कोशिश करो।
दूसरा बात महिला मन के अर्थव्यवस्था सुधारे बर पहली तो ये कि जतका जेन महिला बाल विकास से स्व सहायता समूह मन लोन ले और सक्षम योजना के तहत लोन ले ओकरो मन के ऋण माफी जैसे किसान मन के ऋण माफी तेने ओकरो मन के ऋण माफी। दूसरा चाहे गैस कनेक्शन वो उज्ज्वलक माध्यम से ले रहा है चाहे और कोनो माध्यम से ले रहा है ना, गैस कनेक्शन जेकर कर हे गैस रिफिलिंग कराया तो इसने तुम्हारे खाता में 500 रुपए पहुंच जाए। भाजपा वाला मतलब केवल उज्ज्वला वाले बल्ब देवो कहा थे है ना, और 500 रुपये हम देवो कहा थे हमारा तो ये कि 974 रुपया है तो 500 रुपये तुम्हारे खाता में जाए तो 474 रुपया पड़ी नहीं पड़ी, और केंद्र सरकार के कहूं मिल जाए तो समझ लो 100 रुपये में हो जाए ठीक है ना। तो हम तो देबो 500 रुपये सीधा होकर खाता में डालबो। दूसरा जिन काम है यू बात ला भाजपा वाला मन अपन घोषणा पत्र में नहीं के कावर के रमन सिंह 7 किलो चौर दे रही से सुरता कर लो दे रही ना, हमार समय तब 35 किलो करें हमार राशन है तेन 35 किलो से कमती नहीं उतका मिल हिच, और ये डब ये भाजपा वाला मन आई ना तो 7 किलो थमा दी तुम अल्लाह। तीसरा बूता तीसरा काम महिला मन पर जेन पैसा बचाया बर है पहले 400 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ कर रहे हैं है ना, अब हम देखें कि हमारे पूरा प्रदेश में 49 लाख घरेलू उपभोक्ता है बिजली के और में 42 लाख परिवार ऐसे है जिन 200 यूनिट तक के कम बिजली खपत करते हैं 200 यूनिट तक के। तो हम ये तय करे हैं भले थोक बहुत पैसा ज्यादा लगी 200-400 करोड़ रुपए भले ज्यादा लग जाए लेकिन 200 यूनिट तक की जिन बिजली खपत कर ही महीना में तो ओकर ओकर घर बिजली बिल आबे नहीं करे पटाक सवाल ही नहीं उठा ठीक है नहीं, जेन बिजली बिल ला बिजली ला 200 यूनिट तक खपत करी ओकर घर बिजली ओला बिजली बिल पटाए की जरूरत नहीं है बिजली बिल आबे नहीं करे वो 7 लाख बांचे है तेन ताम्रत दस भैया है ना के देवांगन जी है शशि गायकवाड़ है ये मन एसी लगा ले एक घर बिजली बिल ज्यादा आई तो मन पटाई लेकिन गरीब आदमी है छोटे किसान है ते मन है एसी उसी नहीं लगाए कूलर वगैरह नहीं चलाई 200 यूनिट तक बिजली खपत हुई मतलब बिजली बिल पटाए की जरूरत नहीं है। तीसरा जिन काम है तेन इलाज में खर्चा होते तो डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता में 25 लाख और तीसरा रोड एक्सीडेंट वगैरह हो गए भगवान न करे काकरो एक्सीडेंट हो लेकिन हो गए तो का पूरा खर्चा सरकार उठाई 25 लाख तक। तो इलाज पर और चौथा जिन बूता है ये सबसे ज्यादा खर्चा होते लड़का मन के पढ़ाई तो हम तो 50 किलोमीटर तक के जिन कॉलेज में पढ़िया लड़का है ना तेकर मन के बस किराया माफ कर दे पास बनवा था सब लड़का मन के बहुत जन मन बनवा शुरू कर दे ऑनलाइन हो गए नहीं तो पास बनी फ्री में ही जाए रोज 50 रुपये 100 रुपये बाज गए 3000 रुपये महीना बाज जाए ठीक है नहीं। और दूसरा अब सब जगह डिमांड है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल चला दे हिंदी मीडियम चला दे स्वामी आत्मानंद स्कूल बनना चाहिए सबके डिमांड है नहीं। तो जतका हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है पूरा छत्तीसगढ़ में लगभग 6000 सब लर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम टाइप को सब ला अपग्रेड करो शानदार बनाओ ताकि हमारे लड़का मन की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार हो। और जतका कॉलेज में पढ़ा था लड़का चाहे आर्ट में पढ़े कॉमर्स पढ़े चाहे साइंस ले और वो चाहे पॉलिटेक्निक हो इंजीनियरिंग हो नर्सिंग कॉलेज हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो कोई फीस नहीं लगाए पूरा हिंदुस्तान में पहला राज्य है हमारे छत्तीसगढ़ जब पढ़ाई में 1 पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है 1 पैसा केजी टू पीजी पहली कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक शिक्षा मुक्त उन्हें यू भी क्राइटेरिया नहीं रखे इनके वो अनुसूचित जाति कोई तभी मिली जनजाति कोई तभी मिली ऐसा नहीं चाहे अनुसूचित जाति को हो जनजाति को पिछड़ा वर्ग के हो चाहे अपर क्लास के हो सबके लड़का ला फ्री में पढ़ाई हुई शर्त केवल 1 ठके वो छत्तीसगढ़ के रहिया होना चाहिए।
छत्तीसगढ़ के बाहर के लेकर हम नहीं देंगे, नहीं बाहरी आदमियों ने भर्ती कर ली तो हमारे लेकर ला मौका नहीं मिले। तो छत्तीसगढ़ के लड़का होना चाहिए, ये शर्त है। चाहे कोनो जाति कोनो धर्म के मानने वाला सब लग मुफ्त में शिक्षा। कतेक पैसा माँच गए तुम्हारे मन के, हजारों रुपया माचा देने में। तो ये प्रकार से भूमि श्रमिक है, तेकरो मन भर जिन 7,000 रुपया सालाना देते रहे, अब वो 10,000 हमन कर दे, मतलब 10,000 रुपया मिली। और साथ ही यो युवाओं को उद्योग व्यवसाय में ऋण में 50% की सब्सिडी मिली। और आख जो रिपा है अभी बढ़िया मूल देवांगी दिखा दे रही से, ये फ्लेक्स बने हैं, तेनू है बने हैं, बहुत अकन पुस्तक का प्रिंटिंग वगैरह काम है, तेरे रिपा में शुरू हो गए। वो 300 हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बोला, 700 बढ़ा के 1,000 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लागू करबो ताकि लड़का मन फायदा मिले। अब ये तीव्रा तो अब ननावत जात है ना, लेकिन तीवरा हो भूसा वूसा बन मिल जाते गरवा मल्ला। अब आजकल तीवरा कीमत 4,000-5,000 हो ले, तो ओकरो समर्थन मूल्य घोषित करबो, वह खरीदी की व्यवस्था करबो तीवरा के। चैनल ओप पार गजब आदमी हस्ते, वो चना के रेट के आसे पास रही, चिंता मत कर। हाँ का बात की चिंता है, का बात के चिंता है, तो यू काम ला करना है। और अंत में सब जन ला शमशान घाट जाना है ना, 100 साल जिए 125 साल जिए, लेकिन जाना तुम्हें छेर भाई। तो अंत्येष्टि भर जिन लकड़ी छेना लगते वो ला पूरा खर्चा सरकार उठाई। कई बार गरीब आदमी मतलब बड़ा परेशानी होते, तो सब भर अंत्येष्टि की लकड़ी छेना, चाहे शहर में हो चाहे गाँव में हो, सबके अंत्येष्टि के खर्चा ला सरकार उठाई। ये हमन तय करे हन, आगे आपके आशीर्वाद मिली तो सरकार बनाना है तो विधायक की जितना जरूरी है। और थोक बहुत में काम नहीं चला है, काबर के कहो 46 में सरकार बनी दू चाटा को उपराह दे तो हो ही का, वो अमित शाह तीन पुदक के लिख जाई, वो महाराष्ट्र में देखे मध्य प्रदेश में देखे। हाँ तो ये वक्त आपकी बार, आपकी बार कमती नहीं होना चाहिए भाई, है ना 80 जाई। हाँ तो आस पड़ोस बहू देख लो तो मना, ये पारधर सीमा है, रायपुर ग्रामीण है, ये तरफ तो भाटा पारा है, बगल में है ना नवागढ़ है, साजा है, ये तरफ हमारा है, चारों खुट तुम्हार लगे, हमरो को दिल हमारे दो पाटन हु लखा पड़ते है। तो सबको दिल सगा सोदर मल्ला सब, तो हमारा 10 बजे कहते ना फोन कर दो, कहीं चिन्हित फोन कर दो, तो जत का सगा सोदर है, रिश्तेदार है, संगी संगवारी सब ला फोन करके, भैया ये वक्त फिर से ऋण माफी चाहिए, 3200 रुपया क्विंटल में धान चाहिए, और जत का योजना है पढ़े लिखे के सब जिन व्यवस्था है, आगे 5 साल और हमारे संस्कृति बढ़ावा देना है, तो छत्तीसगढ़िया ला सबसे बढ़िया पूरा देश में बनाया बर है, तो फिर से हमारे एक बार कांग्रेस की सरकार बनाना है। यही बात कहते हुए आप सब ला प्रणाम करते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।